गुड इवनिंग डियर दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे किचन में। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर रखे हुए हैं चावल, और ये बनाए हुए चावल हैं, पके हुए। तो आज हम सीखेंगे कि अगर चावल हमारे बच जाते हैं तो उनका हम यूज़ कैसे करें। कभी कभी चावल ज़्यादा बन जाते हैं तो कभी रात के बच जाते हैं। तो चलिए आज हम बनाते हैं इनमें से मसाला चावल। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, आधा छोटा चम्मच के करीब तेल डालेंगे इसमें। और एक चम्मच के करीब लिया है मैंने देसी घी, घर का कोई भी नॉर्मल चम्मच आप ले सकते हैं। अब ये थोड़े से मैंने लिए हैं लहसुन और एक हरी मिर्च ली है, अब इनको हम थोड़ा सा बारीक कूट लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच के करीब सरसों, इसको थोड़ा सा हम क्रैकल होने देंगे। अब इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, अब इसमें डालेंगे हम लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। आप इसे पेस्ट नहीं कह सकते हो, इसे मैंने क्रश करके डाला है, आप चाहें तो इसे बारीक पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इस लहसुन को हम थोड़ा सा भून लेंगे। जब तक हमारा लहसुन भुनता है तब तक आप एक टमाटर काट कर रख दीजिए, या मैंने इसे पीस लिया है मिक्सर में। तो फ्रेंड्स, मैं हमेशा टमाटर पीस कर ही डालती हूँ, क्योंकि आप सोचते होंगे कि मैं काट कर क्यों नहीं डालती हूँ। इसका भी एक रीज़न है, जो टमाटर के छिलके आते हैं वो मेरे बच्चों को पसंद नहीं है, इसलिए मैं हर चीज़ में टमाटर है वो पीस कर डालती हूँ। तो अगर आपको कटा हुआ टमाटर पसंद है तो आप कटा हुआ डालिए। लहसुन हमारा भुन चुका है, अब इसमें हम टमाटर डाल देंगे पिसा हुआ। अब इस मसाले में हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा नमक चावल में पहले ही डालते हैं, तो थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, अब इस टमाटर को थोड़ा सा हम भून लेते हैं ताकि इस टमाटर का जो कच्चा टेस्ट है वो खत्म हो जाए। टमाटर हमारा भुन चुका है, ऑयल देखिए सेपरेट हो रहा है। तब इसमें हम पके हुए चावल डाल देंगे और इन चावलों को हम इस मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैंने प्याज का इस्तेमाल नहीं किया फ्रेंड, जिसे मैंने टमाटर में ही बनाए हैं। और अब देख सकते हैं चावल हमारे कितने बढ़िया हो गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने एक मिनट तक और अच्छे से घुमाकर इस तरह से पका लिया था। चावल हमारे अच्छे से देखिए मिक्स हो चुका है मसाला इसमें, और चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर देते हैं इसमें और चावल को हम बंद कर देते हैं। तो देखिए अब कितनी जल्दी मसाला चावल हमारे तैयार हो गए बचे हुए चावलों में से। तो आप कभी हम आपके चावल इस तरह से बच जाएं तो इसका इस्तेमाल आप ऐसे कर सकते हैं। आइए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इन्हें मैंने प्लेट में डालकर सर्व कर लिया है। गर्मा गर्म सर्व करिए इन्हें पापड़ के साथ या दही के साथ, या चाहें तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, या फिर किसी सब्जी के साथ खाना चाहें तो सब्जी के साथ भी खाया जा सकते हैं। तो इसी तरह से यूज़ करिए आप बचे हुए चावलों का। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम नई नई रेसिपियों के साथ मिलते रहें। फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।